मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन और भी अनगिनत नामों से जाने जाने वाली बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आगामी 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के अवसर पर गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन आकर इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में शिरकत करेंगे। वहीं धार्मिक नगरी उज्जैन का गौरव दिवस गुड़ी पड़वा पर ही आखिर क्यों मनाया जाएगा, इसको लेकर विद्वानों ने धार्मिक महत्व बताया। साथ ही आम जनता से उत्साह उमंग के साथ गौरव दिवस मनाने की अपील की। अवंतिका नगरी की भूमि पवित्र है। यहाँ पर उत्तर वाहिनी क्षिप्रा कल कल बहती है। क्षिप्रा में स्नान मात्र से मोक्ष मिलता है। विक्रमादित्य की इस नगरी में जन्म लेना सौभाग्य का विषय है। देवभूमि उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ का आयोजन होता है। संपूर्ण भारत में हरिद्वार, प्रयाग, नासिक के बाद उज्जैन ही ऐसी नगरी है जहां पर संतों का विशाल समागम प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। राज्य शासन की पहल पर उज्जैन का सौंदर्य एवं गौरव बढ़ाने के लिए अनेकों प्रयास हो रहे हैं। गौरव दिवस के आयोजन में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करने के लिए उज्जैन शहर के विद्वान जनों में ज्योतिषाचार्य आनंद शंकर व्यास, संस्कृत के विद्वान एवं महर्षि पाणिनि, विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मोहन गुप्त, महामल्लेश्वर श्री शांति स्वरूपानंद जी, नाट्य निर्देशक व रंगकर्मी सतीश दवे एवं कालिदास अकादमी के निदेशक संतोष पंड्या ने वीडियो अपील जारी कर उज्जैन शहर के निवासियों से गौरव दिवस में शामिल होने एवं घर घर रंगोली दीपक जलाकर उज्जैन के गौरव को महसूस कर गौरव दिवस मनाने की अपील की है। 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के दिन, क्योंकि ये चैत्र की रामनवमी का पवित्र उत्सव आता है। भगवान श्री राम का जन्म इसी नवरात्रि में हुआ था। इसी नवरात्रि में भगवान श्री राम नवमी तिथि मधुमास पुनीता व नवमी तिथि पर अवतरित हुए थे। तो इसी दृष्टि से, विक्रम संवत की दृष्टि से और कल्पादि सृष्टादि सृष्टि की रचना भी पहले शुरुआत में जब हुई थी तब प्रारंभ में यही गुड़ी पड़वा के दिन से प्रारंभ हुई थी। तो 2 अप्रैल को संवत्सर की दृष्टि से, विक्रम संवत की दृष्टि से, गुड़ी पड़वा की दृष्टि से यह नया वर्ष है। और नया वर्ष उज्जैन के इतिहास में पहली बार एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है कि यहाँ का हम गौरव दिवस मना करके, उज्जैनी का पवित्र जन्म दिवस मना करके, जैसे लोग अपने अपने जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही हम पूरी उज्जैनी का, पवित्र तीर्थ का, सप्तपुरियों में से एक पुरी का, अवंतिका का जन्म दिवस के रूप में पूरा हर्षोल्लास के साथ में उत्सव मनाएंगे। यहाँ की प्रत्येक जनता को चाहिए कि वो अपने घरों को अच्छा सा सजाएं, अपने घरों पर घट स्थापन करें, ध्वज लगाएं, स्वागत करें, भगवान सूर्य को नमस्कार करें और इस उत्सव में भी बढ़ चढ़ करके भाग लें, ताकि उज्जैन का गौरव बढ़े, उज्जैन की महिमा बढ़े और उज्जैन में और भी अधिक श्रद्धालु यहाँ के दर्शन के लिए, यहाँ की भूमि में वास करने के लिए और अधिक आए। ये प्रशासन जो इसका एक नया और इतिहास बनाने जा रहा है, जैसे पहले अभी हम लोगों ने दीपक जला करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वैसे उस दिन भी जुलूस निकाल करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जो संकल्प है शासन का, प्रशासन का और कार्यकर्ताओं का, वो सराहनीय है। भगवान के संकल्प को भी पूरा करें और हम सब लोग मिलकर के पूरी उज्जैनी को, अवंतिका को बहुत सुंदर से सजा करके हर्षोल्लास के साथ इसमें भाग ले। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप सब अपने गौरव को समझें, उज्जैन के गौरव को बढ़ाएं, आप सब इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। हरिओम तत्सत, जय महाकाल। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शनिवार तारीख 2 अप्रैल को हमारा चांद्र नया वर्ष का आरंभ हो रहा है। वास्तव में यह दिन नया वर्ष का जो है, इसी रोज सृष्टि की रचना हुई थी और सृष्टि की रचना होने से पहला जो गणना का दिन आरंभ किया गया, तिथि वार तय किए गए, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार ये सारा तय उस समय किया गया। आज सृष्टि के आरंभ को 1,95,58,85,123वां वर्ष होगा। उज्जैन कालगणना की नगरी है, इसलिए कालगणना उसी समय से शुरू हुई जब सृष्टि की रचना हुई। तो इसलिए उज्जैन की प्राचीनता भी इस बात से जुड़ी हुई है कि अरबों वर्ष पुराना इतिहास उज्जैन का है। महाकाल कालगणना के देवता हैं, उज्जैन कालगणना की नगरी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दिन चैत्र का है, ये केवल उज्जैन के लिए महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है, क्योंकि असल में जब सृष्टि की रचना हुई तो बाकी पर्व व्रत उत्सव शुरू हुए।
तो सभी पर्व व्रत उत्सव का जनक कौन हुआ? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यदि आरंभ दिन है तो सारे विश्व में जो भी प्राणी मात्र का निर्धारण हुआ है वो सभी इसी दिन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से माने। तो अगर सारा विश्व ने तो कम से कम संपूर्ण भारत ने इस दिवस को महापर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि समस्त पर्व का जनक तो यही दिन है। तो ऐसी स्थिति में आज हमारी सरकार ने भी उज्जैन का जन्मदिन मान करके और इसकी प्राचीनता को देखते हुए इसको गौरव दिवस। उज्जैनी कला और संस्कृति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विद्या पढ़ने आए थे और 64 कलाएँ उन्होंने सीखी थी। इससे यह निश्चित होता है कि यहाँ की संस्कृति इतनी परिपक्व थी कि स्वयं भगवान ने आकर यहाँ पर कलाएँ सीखी। संस्कृति का जहाँ तक प्रश्न उठता है, हर महाकवि हर कवि ने यहाँ के बारे में ज़रूर लिखा है। महाकवि कालिदास तो खैर यहीं के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख चुके हैं, लेकिन बाणभट्ट जैसा गद्यकार भी उज्जैनी की संस्कृति की तारीफ करता ही है। चतुर्वाणी में जिस तरह यहाँ की संस्कृति को दर्शाया है वो स्पष्ट करती है कि हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियाँ अत्यंत विकसित थी और समृद्ध थी। सारे जितने भी हमारे यहाँ पर कलाएँ हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने रूप में विकसित होती रही हैं, क्योंकि उज्जैनी व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसलिए सारे देश की संस्कृतियों का कुछ न कुछ अंश यहाँ पर जरूर जुटने लगा होगा, मिलने लगा होगा, और इस कारण बहुत सारी संस्कृतियाँ यहाँ पर मिश्रित भी हुई हैं। जब धार के धनंजय अपने दशरूपक में लिखते हैं तो वे यही बताते हैं कि लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो संस्कृति का एक रूप ही होता है, और इसलिए जब हम उज्जैनी को संस्कारधानी बोलते हैं तो अपने आप में यह घोषित करता है कि यहाँ की संस्कृति सदियों से उतनी ही विकसित रही है जो आज हमें दिखाई देती है, और इसलिए संस्कृति के गौरवपूर्ण इस नगरी का अभिनंदन करते हुए हमें अच्छा भी लगता है कि गुड़ी पड़वा का पर्व, उज्जैनी का जन्मदिवस एक तरह से देश के गौरव का जन्मदिवस है, और हम कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक परंपराएं यहाँ पर हैं वो भविष्य में भी उतनी ही विकसित होंगी, उतनी ही समृद्ध होंगी जितनी आज है, और देश के गौरव को आगे बढ़ाने में हमेशा साथ में रहेगी। नमस्कार। अनादि उज्जैनी, युग युगीन उज्जैनी। उज्जैनी की अपनी ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है जो युग युग में पल्लवित होती रही है और जिसने भारतीय संस्कृति और इतिहास को नवीन आयाम दिए हैं। सृष्टि के आरंभ से उज्जैनी का अस्तित्व माना जाता है। युग बदलते गए और उज्जैनी कभी अवंतिका, कभी श्री विशाला, तो कभी कनकश्रृंगा, कुमुदवती और प्रतिकल्पा के नाम से जानी जाने लगी। भूतभावन महाकालेश्वर की इस नगरी का काल गणना के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व है। यहाँ पवित्र शिप्रा के किनारे अनेक शताब्दियों से सिंहस्थ महापर्व का आयोजन होता आ रहा है। शिप्रा में स्नान का महत्व बताया है। शिप्रा सर्वत्र पुण्यायाम ब्रह्महत्यापहारिणी अवंत्याम वै विशेषेण शिप्रा उत्तरवाहिनी। लोकनायक महाराज विक्रमादित्य की राजधानी भी उज्जैनी थी। आज से 2078 वर्ष पूर्व इस वर्षारंभ प्रतिपदा पर भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर महाराज विक्रमादित्य ने अपनी गौरवशाली सनातन संस्कृति का संदेश विश्व को दिया था। आइए हम सब इस पर्व को उज्जैनी के गौरव से संबद्ध करें और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार इस दिन को उज्जैनी के गौरव दिवस के रूप में उल्लास के साथ मनाने के लिए संकल्पित होवें। वेद की इस ऋचा के साथ हम विश्व मंगल का संदेश विश्व में प्रेषित करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उज्जैन का गौरव दिवस मनाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार का ये विचार है कि प्रत्येक बड़े शहर का गौरव दिवस मनाया जाए, ठीक भी है। उज्जैन अत्यंत महत्वपूर्ण शहर रहा है। अभी एशियाटिक सोसाइटी ने एक वेबिनार किया था, उसमें हिंदुस्तान के दो शहर ही उन्होंने चुने थे, उसमें एक उज्जैन था और एक वाराणसी था। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि माँ कितना महत्वपूर्ण है। अगर पुराने समय में हम जाएं तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के समय यहाँ पर तीन ही मुख्य शहर पूरे भारतवर्ष में थे, पश्चिम में तक्षशिला, पूर्व में पाटलिपुत्र और मध्य में उज्जैन। उज्जैन की ये विशेषता रही है कि यहाँ पर न केवल कला और साहित्य, अध्यात्म और दर्शन फला फूला, अपितु यहाँ व्यापार भी खूब फला फूला। प्राचीन काल में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने वाला मार्ग यहाँ उज्जैन में मिलता था, और इसलिए यहाँ से विश्व का व्यापार भी चलता था। और यही कारण है कि कालिदास जैसे कवियों ने भी उज्जैन का गौरवगान किया है, इसलिए उचित है कि उज्जैन का गौरव दिवस मनाया जाए। जहाँ तक यह प्रश्न है कब मनाया जाए, तो यही उचित होगा कि गुड़ी पड़वा को जिस दिन संवत्सर का आरंभ हुआ हमारे अनुसार, तो षष्ठी का आरंभ भी गुड़ी पड़वा के अनुसार होता है, और उज्जैन हमेशा से ही कालगणना का केंद्र रहा है। यहाँ पर मध्य रेखा जो आज ग्रीनविच मीन टाइम है, वो यहाँ उज्जैन की मध्य रेखा यहाँ से गुजरती थी, और साथ ही साथ कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरती थी, इसलिए इसे पृथ्वी की नाभि भी कहा जाता है। और पृथ्वी की नाभि कहा जाने के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े उल्लास से उज्जैन का गौरव दिवस मनाना चाहिए, और इस गौरव दिवस में उज्जैन के जो सभी पक्ष हैं, जिसमें कला और आध्यात्म, साहित्य और यहाँ की विविध सांस्कृतिक छवियाँ, सबका समावेश किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया था कि हर नागरिक को अपने गांव, नगर, शहर और महानगर का जन्मदिन गौरव दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इसी के चलते 2 अप्रैल गुड़ी पड़वा पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में गौरव दिवस मनाया जाएगा। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।